बस 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 नहीं नहीं मेरी है भाई जी, खड़ी है अपनी बाइक और अभी इसकी टंकी फुल कराते हैं उसका। ये देख लो भाई, पूरा फुल करा दिया। अभी इसको और चलाना पड़ेगा, और आगे तक ले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे यार अभी भी कम नहीं हुआ तो भाई अब तो कम हो जाना कि बैठ जाके ही मानेगी। तो हम ये वाली एवरेज निकाल रहे हैं, भाई हाईवे पे देख लो, पूरा हाईवे है। असली जो एवरेज होती है वो सर्विस के बाद ही पता चलती है। एक ही आता है ठीक, और एक लंबे वाला ये निकलता है इसमें। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज का जो व्लॉग होने वाला है वो होने वाला है हंटर 350 की माइलेज के ऊपर। माइलेज कह लो, एवरेज कह लो। अभी इसकी आपको टंकी दिखा दूं मैं, ये देखो। अभी इसमें तेल लगभग पूरा ही मान लो, थोड़ा सा और डलवाएंगे। इसमें 150-200 रुपए का तेल और आ जाएगा। पहले टंकी फुल कराएंगे, उसके बाद इसकी एवरेज निकालेंगे। एक बार इसकी एवरेज पता चल गई हमें तो नॉर्मल सी बात है, माइलेज तो हम इसकी निकाल ही लेंगे। और इसकी गाड़ी के 1000 ऑन हुए, इसको ऑफ कर देते हैं। ऑन ऑफ हो गए। तो अभी मैं आपको दिखा दूं इस गाड़ी की मैं पॉलिश कैसे करता हूं। ये मैंने ला रखा है एक गोल्ड वैक्स है, ये ऑल इन वन पॉलिश। इसमें एक ही आता है ठीक, और एक लंबे वाला ये इसमें आता है। इसको पहले ऐसे करते मिक्स करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा इस पर ले लेते हैं, ऐसे निकलता है इसमें। और फिर इस पर ऐसे टंकी को, आपको थोड़ा पास से दिखा दूँ, दूर से दिख नहीं रहा होगा। इसको ऐसे मुश्किल से 5 मिनट रगड़ना पड़ता है, उसके बाद एकदम चमक मारती है। पॉलिश मार दिए, आपको अंदर दिख ही रहा होगा पहले कैसी थी और अब कैसी है, पीछे भी और सामने भी। वाइज़र पे तो इसकी मारने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वाइज़र पे तो टाइपिंग हो रखी है और ये स्वास्तिक बन रखा है। वैसे ये खड़ी है अपनी बाइक और अभी इसकी टंकी फुल कराते हैं, उसके बाद इसका एवरेज निकालने चलते हैं। सिद्धि करोगे थोड़ा और ऊपर कर दो, बस थोड़ा और कर दो ऊपर। बस तीन सौ सत्तर। ये देख लो भाई, पूरा फुल करा दिया और 370। अभी आप टंकी फुल करवाओ भाई तो उससे ये स्लिप जरूर ले लेना। इसमें देखो पेट्रोल तो आया है इसमें 3.79 लीटर, और कितने का आया है, यह आया है 370 मान लो। वैसे तो 369 का आया है, 370 ही मान लो। और रेट चल रहा है सहारनपुर में 97.38। ठीक है, अब इसकी निकालते हैं एवरेज। देख लो टंकी भी फुल ही होगी लगभग, लगभग क्या पूरी ही फुल होगी। देख लो अभी चल रखी है ये 716.7 किलोमीटर, और हम चलाएंगे इसको 0 से 60 के बीच में, 60 से ऊपर नहीं जाएगी। वो चला दी, 722 होगी, 722.3। अभी वापस चलते हैं पेट्रोल पंप पे। जो हम ये वाली एवरेज निकाल रहे हैं भाई हाईवे पे, देख लो पूरा हाईवे है ये। तो अब तो कम हो जाए भाई, देख लो इतनी चला दी। एक बार में पेट्रोल पंप पे हो भी आया, मैंने कहा इतना इनफ होगा इसके लिए, लेकिन जब टंकी खोल के देखी तो ये तो ऊपर तक ही भर रखी थी। अब देखते हैं, अरे यार अभी भी कम नहीं हुआ। ये देख लो ऊपर की ऊपर, ये इसको सिद्धि करके भी दिखा दूं आपको। ये देखो ये कम ही नहीं हो रहा यार, अब इसको और चलानी पड़ेगी आगे तक। देखा कितनी चला दी, उस टाइम पे शायद 16 या 17 थी मेरे ख्याल से, 17 थी, हाँ 717। अब देख लो 34 होगी, 34.7। ये साईं बाबा का मंदिर है गाइस, साईं बाबा। अब इसको और चलाना पड़ेगा, और आगे तक ले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई अब तो कम हो जाना कि बैठ जाके ही मानेगी। बैठ रोड पे चल रहे हैं अभी हम, तो चलो भाई कुछ हुआ तो नीचे को देखो, आपको शायद दिख रहा होगा। देखो कुछ हुआ है नीचे, इतना थोड़ा और हो जाएगा वापस जाते जाते। अब सीधा मिलेंगे पेट्रोल पम्प पे। तो भाई इसकी दोबारा टंकी फुल हो रही है, थोड़ा ही होगा इसमें। इतना तो अच्छा भी रखा था भाई, क्या जी इतना तो अच्छा भी रखा था। बस जहाँ तक पहले भरा था वहीं तक भर दो। बस 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 नहीं नहीं मेरी है। मगर वीडियो बना रहे ये दिखानी पड़ेगा किसी को, यो यूट्यूब पर डालूँ क्या व्लॉग।
बस बस बहुत है इतना ही। देख लो भाई, और इसमें आया है 147 का 1.51 मीटर आ गया 754.4 किलोमीटर पे, और हमने शुरू करा था 717 या 16 के आसपास शुरू करा था, वो देखना पड़ेगा। अभी इसकी चल के निकालते हैं एवरेज, कहीं सुनसान जगह पे चलते हैं और फिर निकालते हैं। तो गाइस अभी आ गए हैं इसकी एवरेज निकालने, यहाँ पे थोड़ी शांति सी है, ठीक है। तो गाइस देखो, इसको ध्यान से देखना आप, क्योंकि आप इस हिसाब में उलझ सकते हो, ठीक है। अभी ये चल चुकी है 757.3 किलोमीटर, और हमने शुरू करा था 716.7 किलोमीटर पे। तो 716 + 4 = 20, 20 + 7 = 27, 27 + 30 = 41, तो 716 + 41 = 757, ठीक है। और 757 ही ये चल गई है, तो यानी हमने चलाई है ये पूरी की पूरी 41 किलोमीटर हमने चलाई है, और इसमें तेल आया है तो ठीक है भाई। इसमें अभी हमने डलवाया है, यानी कि 147 रुपये का डलवाया है, और इसमें आया है 1.51 लीटर। अब इसका एवरेज निकालते हैं, 41 / 1.51 लीटर 27 का एवरेज। तो देख लो गाइस, इसकी एवरेज निकल के आई है जो कि आ रही है 27.15, तो यानी कि एक लीटर में 27.15 किलोमीटर चल जाएगी आराम से। अगर इसकी माइलेज की बात करें तो 13 लीटर की इसकी टंकी है, एक किलोमीटर में चल रही है ये 27.15, तो 13 × 27.15 तो 13 लीटर में चलेगी ये 352 किलोमीटर, ये इसकी माइलेज आ गई। ये इसकी एवरेज थी, और माइलेज भी मैंने आपको बता दी, एवरेज तो आ रही है इसकी 27.16 और माइलेज आ रही है भाई 352। जब तक इसकी पहली सर्विस नहीं हुई थी ना, तब मेरे को एवरेज दे रही थी ये 37.16 का एवरेज दे रही थी, मैंने वीडियो डाल भी रखी है, वो उसमें देख लें। असली जो एवरेज होती है वो सर्विस के बाद ही पता चलती है गाड़ी कितना एवरेज दे रही है आपकी। तो बस ये था मेरा आज का ब्लॉग, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट से और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।